मिस्टर जैनी, व्हाट्स अप? कहीं जा रहे होते हैं फिर भी तुम्हारी मीटिंग है ये तारेटा? बस थोड़ी देर में बंद हो रही है। अपने कान में लगा के रखें कृपया, हमें सुनने का कोई शौक नहीं है। तार में लगी हुई है। टिश्यू ले ले, मेरा रुमाल। एक बीटी हो गई ना है? क्या चाहिए इसके ऊपर का भी? वो क्या है, ब्लैक कलर का टुल्लू था, पता नहीं भाई, यहाँ तो नहीं दिख रहा। सांस फूल गई, दोबारा ऊपर जाना पड़ गया। भाई क्या लगाया है गाड़ी में, स्मेल अजीब सी आ रही है। हैं? क्या लगाया है गाड़ी में अजीब सा? ये अजीब सा कुछ नहीं लगाया, मैं अरेबिक परफ्यूम लगा के आया। आउद वाला, आउद वाला। ना स्पीडी सी स्मेल आ रही है। ए, तुम्हारी चॉइस ही बेकार है। अबे जा तू, इसके यहाँ पता ना क्या क्या लगाया। हाँ तो मुद्दा ये था कि सांस फूल गई थी क्योंकि ये जो GoPro होता है इसके ऊपर जो इसका जो मीडियम ऑडियो उसकी जो माइक की वो है विंडस्क्रीन, भूल गया, माइक की जो विंडस्क्रीन है ये जो अपना GoPro है उसकी, ये मैं ऊपर रह गई थी, गिर गई थी पता नहीं कहाँ पे, तो इसको लेने के लिए दोबारा भागना पड़ा। अदरवाइज ये बहुत महंगा सौदा है, हो गए कम से कम 500 रुपये नुकसान हो जाता, तो इसलिए। हाँ भाई जैन साहब। हाँ जी। क्या करना है? पहले मोदक को उठाना है। मोदक नहीं, बैंगन है साला, एक नंबर। चलो बैंगन को उठाते हैं, सीधा वहीं मिलते हैं। अभी रास्ता थोड़ा सा टाइट है, यहाँ पे खड्डे खुड्डे भी बहुत है, सीधा वहीं मिलते हैं। ओके भाई। फरीदाबाद में ऑफ रोडिंग देखिए, वो भी छोटी गाड़ी पे, बस टच ना है, देखते हैं मित्रा की जायज है। पकड़ी भाई, ये लगेगी पीछे? नहीं लगी, झोपड़ी के ड्राइवर में दम होना चाहिए, धीरे धीरे चलाइए बिल्कुल ही। आए बड़े नूब्स, साले पता ना कहां से मुंह उठा गया। साले यही तेरी गाड़ी होती ना, अभी तक कहता 2 किलोमीटर फालतू घुमा लूंगा मैं, यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा। मैं तेरी गाड़ी ले जाऊँ, पेट्रोल पे तू रोएगा, मैं डीजल पे नहीं रोता हूँ। तो साले जब मैं मना कर रहा हूँ यहाँ से मत ले, मैंने खुद बोला है, जब मैं घुस चुका था तब बोल रहा है, पहले ही बता देता मुझे, पहले ही बोल चुका फोन पे घुसा पड़ा, ये नहीं रास्ते में पहले ही बता दे कि भैया इस रास्ते से मत जाइए, दूसरा रास्ता ले लियो। मैं जब पूरा लेफ्ट मुड़ के खड़ा हो गया तब तो जाके बता रहा। राइट भी लिया जाता भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग चलती है। निकले किस लिए हम, ऑफ रोडिंग करनी है तो निकले। वो देख बलिनो जा रही है, जायज नहीं जाएगी, महंगी गाड़ी है, जापानी वो भी। अबे आजकल सब नकली है, जापानी हो, इंडियन हो, साला कुछ हो। ये पकड़, मुझे निकाल दे। फुद्दू, वो देख भैंस क्या बहुत है। सिर्फ फुद्दू काटने का धंधा बना रहा है देश में। भाई साहब ये तो बहुत सेक्सी वाली ऑफ रोडिंग करी है, बहुत सेक्सी वाली, टच नहीं हुई है, ऑल्दो बहुत अच्छी बात है। शायद मेरी पोलो होती तो वो टच हो जाती, इग्निस का तो घंटा कुछ फर्क ना पड़ता, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इन दोनों से बहुत ज्यादा है, तो पोलो शायद हो जाता कुछ। एक तो पोलो में मेरी ज्यादा दिक्कत क्या है, मैं क्यों रोता हूँ ज्यादा उसका, ठीक है नहीं, उसके नीचे पता क्या प्रॉब्लम ज्यादा है कि उसके ना इनके सबके दे रखे हैं ये जो क्या होते हैं, क्या कहते हैं इनको, मडगार्ड जो है वो इतने से है, पोलो का इतना बड़ा मडगार्ड है नीचे, तो वो हर जगह टच होता ही होता है। जब तुम्हें ना पता हो और तुम खोए हुए हो ना अपने फोन में तो मत बोला करो, हैं? फोन में खोया हुआ और फिर कहता फोन में नहीं खोया हुआ, साले ऐसे बड़ों का कोई इलाज नहीं है, इनको लात मार के बाहर निकलना चाहिए जैसे मैंने अभी भी किया। अब सबरे के सबरे सफेद जूते पहन के आए हो क्या? ये देखो इधर भी सफेद जूते दिखाओ, व्लॉग हो रहा है, सफेद जूते, अबे नाइकी का छोड़, सारे के सारे सफेद पहन के आ गए हैं, व्लॉग हो रहा है भाई, व्लॉग तो हो ही रहा है, तेरे चक्कर में डॉगी पीछे भेज दिया हमने। डॉगी का है ये रहा, रजत बैठा है, बालों नहीं दिख रहा तेरे को, डॉगी बोल रहा है बहुत स्ट्रीट, बाप नजर नहीं आ रहा, अबे बैंगन लगा रहा। तो मुझे भी याद आया ब्रो कि रजत जैन के बर्थडे के बाद से हम तीनों ने इकट्ठे व्लॉग नहीं किया, पकड़ियो जरा, तो हम तीनों ने इकट्ठे व्लॉग नहीं किया, या तो मैंने और रजत ने किया है,
या तूने और मैंने किया जब हम घूमने फिरने गए थे जैसा साले ढंग से चला। हाँ तो कोई बात नहीं, मुड़ेगी तो सही ज्यादा से ज्यादा भाई। तो आज हमारा मेरी शक्ल दिखा और गाली गलौच मत कर। क्या नहीं, सारे तेरे जीतो वालों को दिखा दूंगा गाली गलौच करता है तो तुम्हारे साथ तो करूंगा। हाँ तो मुद्दे की बात ये है कि आज बहुत टाइम बाद हम तीनों व्लॉग कर रहे हैं और ये दोनों वापसी आ चुके हैं और हम जा रहे हैं गुड़गांव। क्या करने जा रहे हैं गुड़गांव आप बोलो थोड़ा सा। हम जा रहे हैं जिवेश आलूवालिया का शो देखने अनकॉमन से। देखो लसन से सही नाम भी नहीं लिया जाता, जिवेशु आलूवालिया। गाली चाहिए होती है, जब मैं गाली देता तो गाली नहीं चाहिए होती है तो स्पेसिफाई कर दे कैसा चाहिए तेरे को। भाई देख इतनी गाली दियो कि मैं उसको सेंसर कर पाऊं। भाई ये ऐसी गाली दे देता बीच में उल्टी सीधी भोसड़ी क्या, कौन सी गाली होती है भाई इसको, इसके साथ होएगा ना। जब नहीं होती तो डालो ना भाई। संस्कृत तो बहुत बड़ा रजत है, हैं तो बहुत बड़ा रजत है भाई। इतनी बड़ी गाली नहीं मत दे मुझे भाई, ठोक दे भाई। मैं ठोक दूंगा, मैं ठोक दूंगा, देख ले सामने, ब्रेक नहीं मार रहा हूं मैं उस तरफ से ठोक। चूतिया का ब्रेक है भी नहीं, अबे है भी नहीं ब्रेक नहीं है साले। अबे मित्रों की जय जय, इसके अंदर में इसके एसी चल रहा बस गनीमत है। नहीं वो ब्रेक तो एक्चुअली घिस गए बदलवाने टाइम में, अंकल खड़े हैं सामने। बहुत भयंकर मौसम के अजब नजारे और ये हमारी अरावली हिल्स। अबे एक बार याद है तेरे को वो जब हम जा रहे थे उधर, हम दोनों गए थे जब दामा लेक में, तो वो घुसी पड़ी थी नीचे गाड़ी, उसकी वीडियो भी पड़ी है पता है। मुझे पाड़ी हो रही है, ये रात की पाड़ी यहाँ हुई है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं गुड़गांव, ये सेक्टर 29 के आसपास हम जा रहे हैं। इम्परफेक्टो में है ना शो? इम्परफेक्टो सेक्टर 51। सेक्टर 51? 29 में नहीं था? हाँ यही रहेगा भाई। तो अबे 29 तो वही है जहाँ पे डाउनटाउन वगैरह है सारे, तो मुझे लगा वहीं पे होगा। नहीं नहीं इम्परफेक्टो पैचियो है। गवार देसी देसी तो अम्मी है पर गवार तो नहीं है। बड़ा जाहिल गवार कोई आदमी नहीं है। अपने आप ही अग्री कर रहा है कि मुझसे बड़ा जाहिल गवार कोई नहीं है। तुमसे बड़ा बोला है मैंने। बट इंसान है। किसके लिए बोल रहा है, रजत के लिए ना? मैंने कुछ बोला ही नहीं, तेरे लिए बोल रहा, तेरे भाई। कोई नहीं मैं काट दूंगा भाई। You guys. Yes. What's up? Party हो रही है? या यार पार्टी हो रही है। हाँ फोन छोड़ दो। अरे वो चेक कर रहा था भाई, ये रिकॉर्ड कर लिया। अच्छे से लेंगे ना बाद में, अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से। डबल मास्क अभी छोटू क्या चला रखा भाई ने? अभी क्या चक्कर है ये 500 रुपए का? ये 500 रुपए का ये चक्कर है कि रिडीमेबल है, जो तुम यहाँ अंदर बैठ के खाओगे पियोगे वो उसमें काम आ जाएंगे। कवर चार्ज है बेसिकली एंट्री के लिए। मैं तो सोचा मेरे को स्कैम हो गया भाजी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, टिकट है कि दे पा। कोई पंजाबी है? पंजाबी मेक सम नॉइस गाइस। एग्जैक्टली हमारे वहां नॉर्थ ईस्ट को ये आवाज सुनाई नहीं देती। What's your name?
निष्ठा एंड व्हाट वर योर ऑर्डरिंग टेल मी ऑल द स्मॉल प्लेट्स अवेलेबल लाइक व्हाट गिव मी वन हमस एंड पिटा अभी हमस ही पहले मुझे नहीं मिली पंजाबी इनका बस चले अरुण का पराठे का पीड़ा बनवा लें लव कमिंग टू गुड़गांव आई लव कमिंग टू गुड़गांव एंड आर यू हियर विद समबडी मिस्टर विद योर फ्रेंड्स आई लव द वुमन नेक्स्ट टू लाइक या वी सिटिंग नेक्स्ट टू हर ये मोटा आदमी इसकी आंखों में भी चर्बी है व्हाट आप मुझे नंगा देखो बहुत अच्छा लगता हूँ This is what I wanted to lose the weight for. See, abhi, we'll keep doing this. Don't worry. I'm the bhaant hai, guys. Kya? That's why I love coming to Gurgaon. It's like a drawing room feel. Nach, hari, nach. We'll wait. 4 log baith ke hummus pita order kar rahe. 300 rupees ka total bill. Usme keh rahe, do we pooling? Do we touch? Yes, sir. So, bahut hi acha tha. जयेशु का शो एकदम मतलब दो नंबर दो नंबर यार बढ़िया 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 एकदम एक नंबर पूरा एक नंबर एक नंबर ही जाएगा चलो चले चलो गाइस अब सीधा कहाँ चलना है खाने चल रहे हैं यार तो सर्विस बेकार थी यहाँ तो सर्विस आज भीड़ ज्यादा थी तो सर्विस की इनकी माँ बहन हो गई थी इम्परफेक्ट वालों की कोई वो नहीं था उसको साले को शो देखना था जिवेशु का साले तो वेटर है तो वेटर ही करना हाँ वेटर भी अपने शो देख रहे हैं बैठे हुए हमने साले पैसे क्या किस लिए दिए हैं ऊपर से चलो शो की टिकट के 500 रुपए तो अलग थे प्लस एंट्री के भी एक 500 रुपए थे ऑल्दो उसके कवर चार्जेस मिल रहे थे पर कवर चार्जेस के लिए मुझे जाना पड़ा उठ के अपनी सीट से भैया शो छोड़ के कि भाई ये दे दो हमें खाने पीने के लिए जो चाहिए बंदा नहीं आ रहा सीट पे और भाई सबसे बड़ा हराम बनती क्यों जा जाके पूछ रहे क्या खाओ नहीं नहीं भाई कई लड़कियों से उसने लड़कियों से भी नहीं पूछा लड़कियों भी गुस्सा हो रही थी सबसे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं हराम जादे अभी उनका इंटरेस्ट ही नहीं था देवर लाइक प्लीज बॉदर्ड के हमारे पैसे हो चुके हैं हाँ उनके तो पैसे हो चुके हैं बड़ा मतलब वो ऐसा था कि वो आज उन्हें टिप नहीं मिलनी थी ना भाई चलो वॉट एवर बी द केस जाके डाइनोट में जाएगा तो टिप दे के जाएगा हाँ सो मैं कह रहा था जो भी है अब सीन अब हम जा रहे हैं अपना वापस अपना फरीदाबाद सबसे चंगा और अपना फरीदाबाद तो हम वहाँ जाके अपना बियर पियेंगे क्या मिस्टर जैन बियर पियोगे तो अपन तो पंजाबी लोग हैं अपन मैं और मोहक हम लोग बियर पियेंगे हमारे पास नॉन ड्रिंकिंग ड्राइवर है मिस्टर रज जैन तो रज जैन हमारी गाड़ी चलाएंगे नॉन ड्रिंकिंग ड्राइवर हम जा रहे हैं फरीदाबाद जाके खाएंगे चिकन अब चिकन भी नहीं खाएगा रज जैन अपने घर वालों के लिए नॉन चिकन आदमी है हमें पता है ना असलियत तो जैन साहब भाई जब हम नॉनवेज जगह पे जा रहे हैं तो इनसे बड़ा झूठा आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा भाई दो टू अगेंस्ट वन है कैसे मान ले दुनिया तेरी बात हमारी तो साले 20 रुपए की स्कीम चलती रहती है ना आपस में एक दूसरे स्कीम नहीं है एक पैसा ट्रांसफर नहीं करते बेटे हमारी सेंसेक्स की स्कीम चलती है हमारी 20 रुपए की नहीं चलती क्या कर रहे जैनी जैनी कुछ कह सकता है यहीं पे निपटाएं क्या निपटाना है ब्लॉग को क्यों निपटाना ब्लॉग घर जाकर लग निपटा लियो हमें भाई खाना तो दिखा दे चलो आन दो खाना आन दो फिर तो इस बंदे को क्या करना खत्म ब्लॉग खत्म करते हैं तो अब घर पहुंचने वाले हैं बस खाना वाना हमने खा लिया सांझा चूल्हा पे चिकन पाड़ लिया जैन साहब को भी खिला दिया दाल मखनी खिला दिया हम दोनों ने चिकन खा लिया है हम चुपचाप अब घर जा रहे हैं और इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं सेक्टर के सांझा चूल्हा पे कभी भी दाल मखनी हम मत खाना अगर फरीदाबाद में रहते हो तो फरीदाबाद में रहते हो तो मत जाना वहाँ पे बेकार है 19 वाला बढ़िया एकदम ऑथेंटिक और जिवेशु का शो एकदम फाड़ रहा था उसकी क्लिप्स शायद अगर मैं लगा सकूं तो मैं लगा दूंगा बाकी टिल देन अपना क्या बाय बाय टाटा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस लोड को एक गाली दे देना इस वाले को सॉरी ओ इस वाले को हाँ ये तू क्या है ओके बाय